श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी को होना है, लेकिन उससे पहले बाजार गुलजार हो चुके हैं। बाजारों में स्वर्ण की ऐसी प्रतिमाएं तैयार की गई हैं जो लोग बाग खरीद रहे हैं, जिसमें राम दरबार है और राम मंदिर का एक मॉडल भी है। इस वक्त हम गाजियाबाद के नवयुग मार्केट के एक ज्वेलर्स के यहाँ हैं, उनसे हम बात करेंगे। उससे पहले हम यहाँ की तस्वीरें दिखा दें, तो इधर दिखाना चाहूँगा मैं, सामने देखेंगे तो यहाँ पर जिधर देखेंगे राम दरबार, हनुमान जी, और यहाँ पर ग्राहक भी आप देख सकते हैं जो बाजार को गुलजार कर रहे हैं इन चीज़ों को खरीदने के लिए, ज्वेलर्स के यहाँ पहुँचे हुए हैं। हम यहाँ के जो ज्वेलर्स हैं उनसे बात करेंगे। सर, पहले मैं आपका नाम परिचय जानना चाहूँगा। राजकिशोर गुप्ता, प्रोप्राइटर निधि ज्वेलर्स, और मैं संरक्षक सारा फैशन गाजियाबाद। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, दिवाली, एक दूसरी दिवाली, और यहाँ देख रहा हूँ बाजार भी सजे हुए हैं, क्या कहेंगे? ये भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है। 500 साल से जो मामला विचाराधीन था, बड़े संघर्ष के बाद ये मौका आया है 22 जनवरी को। इस दिन पूरा हिंदुस्तान, क्या विदेश भी, पूरा राम में दिवाली मनाई जाएगी। हर मोहल्ले में, हर बाजार में, हर दुकान पर, हर घर में दिए जलाए जा रहे हैं। उसी संदर्भ में ये 24 कैरेट प्योर गोल्ड की तस्वीरें हैं, राम मंदिर, राम दरबार, हनुमान जी। लगभग 8,000 रुपये से इसकी कॉस्ट शुरू होती है और 2,25 लाख रुपए तक, 85,000, 2,25 लाख, 2,25 लाख रुपए। तो क्या कस्टमर आ रहे हैं इतनी कीमती सामान लेने वाले? पिछले महीने में मैं समझता हूँ करीब 2.25 करोड़ रुपए की सेल हो चुकी है, और ऑर्डर पेंडिंग है, सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही। और मैं समझता हूँ कि इस महीने में कहीं अधिक सेल होगी। गाजियाबाद में हमारे कई जगह RP डायमंड है, दीपाली ज्वेलर्स है, बड़े बड़े शोरूम में सब माल बेच रहे हैं, और लगातार डिमांड है, माल की सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही। तो यहाँ पर ये प्रेम किशोर जी थे जिन्होंने बताया, राजकिशोर जी ने, कि यहाँ पर राम दरबार खरीदने के लिए, राम मंदिर खरीदने के लिए कस्टमर भी आप देख सकते हो कि लाइन से बैठे हुए हैं और राम दरबार को खरीदने के लिए आए हुए हैं। मैं आपका नाम जानता हूँ, आप मेरे थोड़े से परिचय में भी है, संदीप। राम दरबार आप ले रहे हैं, क्यों, ऐसा क्या आ गया? दिवाली पे लेते थे ये सब चीज़ें? नहीं, हम भारतीयों के लिए बड़ा ही गर्व का दिन है। कौन सा राम दरबार ले रहे हैं पहले मैं दिखाना चाहूँगा, कैमरे की तरफ जरा दिखाएं, आप कौन सा वाला ले रहे हैं? ये 16,000 रुपये का है, सर ने बताया, 24 कैरेट गोल्ड का है ये, मैं इसको परचेज करने के लिए आया हूँ। मुझे काफी अच्छा लगा, बड़े भाई के साथ आया हूँ मार्केट में आज। अच्छा, हाँ जी, तो इसको परचेज करने, घर में मम्मी, आपकी वाइफ भी हो या भाभी हो, उनकी क्या डिमांड है, मैं एक बार दिखाना चाहूँगा। देखिए, राम दरबार है जो लगभग 16,000 रुपये का बताया जा रहा है, इसको खरीदार भी मिल रहे हैं, और बताया जा रहा है कि इस बार बाजार में 100 करोड़ का व्यापार होगा। एक बार फिर मैं व्यापारी से बात करूँगा, क्या 100 करोड़ की बात सही है? भाई साहब, मैं तो कह रहा हूँ 100 करोड़ से क्या 1.25 करोड़ रुपये का, 1.25 करोड़ रुपये का होगा। हाँ। जितनी डिमांड है, अगर जो सप्लाई पूरी हो गई, तो मैं समझता हूँ कम से कम 1.25 करोड़ रुपये का दिल्ली गाजियाबाद NCR में कारोबार होगा 101%। तो ये तो व्यापारी बता रहे हैं कि वो बिल्कुल निश्चित हैं कि 1.25 करोड़ का व्यापार होगा, और इसका नमूना देखने को भी यहाँ मिल रहा है, महिलाएं भी यहाँ बैठी हुई हैं, इनसे बात करेंगे। मैडम, आपसे बात करना चाहूँगा, थोड़ा आगे आ जाए तो मेरे लिए बेहतर होगा जी। मैं आपका नाम जानना चाहूँगा, संगीता जी, क्या लेने आए हैं जरा दिखाएंगे हमें भी जी? तो ऐसा, मतलब महिलाएं तो अपने लिए गहने पसंद करती हैं, तो ऐसे में पेंडल वेंडल कुछ नहीं लिया, सीधे सीधे मंदिर? सीधे हमारे मंदिर में जाएगा ना। अच्छा, हाँ, तो हम वहाँ पे मतलब कि पूजा वगैरह करेंगे। हाँ। अयोध्या तो जा नहीं सकते हम, मतलब डेली नहीं जा सकते, कभी कभार जा सकते, बट ये अगर घर में रहेगा तो ये रहेगा कि हाँ, हम बिल्कुल टच में, मतलब अयोध्या मंदिर हमारे घर में ही आ गया। हाँ, हमारे घर में ही आ गया, तो ऐसा फील करेंगे इससे। तो कितने रुपए खर्च कर रही है? 13,000 के आसपास। तो आप लेके जाएंगे आज? जी हाँ। तो 22 तारीख की क्या तैयारी है? 22 तारीख की तैयारी चल रही है, जैसे हम हर साल अपने यहाँ दिवाली की तैयारी करते हैं, तो ऐसी घर में तैयारी चल रही है। मिष्ठान वगैरह बनाए जा रहे हैं, दियो की खरीदारी हो रही है, घर डेकोरेशन करेंगे, जैसे दिवाली बनाते हैं, सेम ऐसी ही है दिवाली। बाजार में और लोग भी आ रहे हैं या केवल संगीता ही है? नहीं, और भी हैं, बाहर निकल के देखिएगा, घंटाघर हो गया, ये नवयुग मार्केट हो गया, यहाँ पे मंदिर है, तो अंबेडकर रोड हो गया, तो सजावट भी देख रहे हैं हम, तो बाजार ऐसा सज रहा है बिल्कुल जैसे दिवाली का माहौल होता है ना, फेस्टिवल माहौल वैसा है। मैं आपको एक बड़ी अच्छी चीज दिखाऊंगा, जो यहाँ पर
कौन से देश से आप बता रहे थे, मैं जानना चाहूंगा एक बार फिर। थाईलैंड से ये जो राम दरबार आया हुआ है ये 1.25 लाख रुपए का है, जिसको 12 पीस इन्होंने मंगाए थे और केवल एक राम दरबार बचा है, बाकी सब इनके बिक चुके हैं। यानी जो 100 करोड़ की बात कही जा रही थी वो बिल्कुल सही साबित होती आ रही है। व्यापारियों ने जिस तरीके से 22 जनवरी की तैयारी की उसमें वो तो सफल है ही है, लेकिन राम मंदिर का जो उत्साह लोगों पर नज़र आ रहा है वो एक बार दूसरी दिवाली का नज़ारा गाजियाबाद के घंटाघर और अन्य बाज़ारों में पेश कर रहा है। ऐसे में बाज़ारों को भी खूब अच्छे तरीके से सजाया गया है और ज्वेलर्स की दुकान में रौनक तो आप देख ही रहे हैं, ग्राहक कितने ज़्यादा हैं। तो 100 करोड़ का व्यापार नहीं साहब, 125 करोड़ का व्यापार गाजियाबाद में होगा। संजीव शर्मा, TV9 भारतवर्ष।